के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों की हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीन राज्यों में मतदान हो चुका है, कुछ बाकी है। परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, ये हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम इस धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। चलिए, मेरा सवाल ये है, क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया? क्यूरियोसिटी समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी। वो आपकी एक कल्पना है। हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या विचार है आपकी? देखिए, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। और आप सभी का इतनी सुबह यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ बोलिए। सर, असम में चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, तीसरे चरण चलेगा। भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है। हिमंत बिस्वा सरमा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले। इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। सर, असम के कई कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ। जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तावित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हिमंत बिस्वा सरमा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। अमित भाई, जनक वीडियो का दावा कांग्रेस कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रही है कि उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है, वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाए। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृ शक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। गृहमंत्री जी, एक जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात उठाई गई है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी मुस्लिमों को के लिए दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेक भी खो चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो तो कौन फर्स्ट लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। किसका काम करने का अनुभव है, नहीं है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। पास्ट में कैसा काम किया है, इसके आधार पर तय करना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर ये धर्म को दाखिल करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की, माइनॉरिटी की योजना हो तो उसके घोषित कर दीजिए। इतना ही बचा है। चुनाव अभी 2 चरण का खत्म हुआ है, तीसरे चरण चलेगा। भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है। हिमंत बिस्वा सरमा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी से लेकर कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले, इसका कारण क्या है? देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। सर, असम के कई कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया, कैसा देख रहे हैं आपकी सक्सेस? बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ। जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तावित हुई है, जो विकास का वातावरण मिला है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हिमंत बिस्वा सरमा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे। हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। अमित भाई, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आवाज भाई मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाले हैं, उनकी सरकार कई बड़े फैसले। विकास नहीं, 100 दिन होंगे मालूम पड़ जाएगा, हम ही जीत कर आने वाले। थोड़ी क्यूरियोसिटी को शांत करें। चलिए, मेरा सवाल ये है क्या कुछ नहीं निकलेगा भैया, क्यूरियोसिटी शांत। संहिता को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है की शायद 100 दिन के भीतर लागू हो जाएगी। वो आपकी एक कल्पना है, हमने हमारे घोषणा पत्र में 5 साल के घोषणा पत्र में रखा है, उचित समय पर हो जाएगा।